नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ जावरमा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां राज्य स्वच्छ गंगा मिशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य बर्ड फेस्टिवल के अंतर्गत विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिला गंगा समिति बिजनौर के माध्यम से सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा शीश महल गंगा बैराज बिजनौर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल, प्रभागीय निदेशक अरुण कुमार सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी ज्ञान सिंह, अंशुमान मित्तल, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे पुलकित जागरवाल द्वारा संयुक्त रूप से मां गंगा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में कृष्णा कॉलेज बिजनौर, रामा कॉलेज, कुंवर सत्यवीरा कॉलेज के स्नातक स्तर एवं DDPS स्कूल व सक्षम दिव्यांगजन विद्यालय के छात्र छात्राओं, रामा कॉलेज किरतपुर, वीरा कॉलेज गंगा दूत शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा आर्द्र भूमियों के महत्व व संरक्षण के विषय में बताया गया तथा इन आर्द्र भूमियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोग हेतु गंगा प्रहरियों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन समन्वय ज्ञान सिंह उपप्रभागीय वन अधिकारी ने किया। साथ ही हैदरपुर वेटलैंड के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह वेटलैंड वर्ष 1984 में मध्य गंगा कैनाल पर बांध निर्माण से उत्पन्न हुए बैंक वाटर से निर्मित हुआ, जिसमें 19,000 पक्षियों की देशी विदेशी 62 प्रजातियां अब तक चिन्हित की गई हैं। हैदरपुर वेटलैंड को 47वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। इसमें पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में बताते हुए इसमें पाए जाने वाले पक्षियों, घड़ियाल, मगरमच्छ, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन आदि के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी नमामि गंगे पुलकित जागरवाल द्वारा अविरल गंगा और निर्मल गंगा अभियान में वेटलैंड्स के महत्व के बारे में अपने विचार रखते हुए आर्द्र भूमियों के संरक्षण का आह्वान किया। साथ ही विभिन्न विद्यालयों तथा कॉलेज से आए बच्चों में आर्द्र भूमियों के महत्व एवं पारिस्थितिक तंत्र में उनकी उपयोगिता आधारित चित्रकला, नाटक एवं वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी प्रतिभागी बच्चों को हैदरपुर वेटलैंड्स का भ्रमण एवं बर्ड वॉचिंग भी कराई गई। कार्यक्रम का समापन गंगा स्वच्छता शपथ के साथ किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में गंगा दूत, JRF संजय सुयाल, समस्त वन विभाग कर्मचारी, पर्यावरण प्रहरी, गंगा सेवकों का सराहनीय योगदान रहा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ। Thank you.